नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूँ करिश्मा कौशिक और आप सब मुझे देख रहे हैं एस्ट्रो तक पे। एस्ट्रो तक को देखने के लिए यूट्यूब पे बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ फेसबुक पे लाइक कमेंट शेयर करें। तक ऐप डाउनलोड करके भी आप एस्ट्रो तक को देख सकते हैं। बात करेंगे मैच नंबर 56 की, यानी मैच नंबर 56 की, जो कि होने वाला है सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेज मुंबई इंडियंस। ये मैच होगा 3 नवंबर 2020 को। मुंबई इंडियंस जो है क्वालिफाइड टीम है और इसके साथ ही साथ दिल्ली कैपिटल्स जो है मुंबई इंडियंस के साथ क्वालिफाई राउंड में आ गई है। अब इसके साथ ही साथ मुंबई इंडियंस का मैच है सनराइजर्स हैदराबाद के साथ, तो सनराइजर्स हैदराबाद क्या इस मैच को जीत सकेंगी और कौन सी टीम का पल्ला भारी रहेगा, कौन से प्लेयर्स हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, ये जनरल प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डेट की, यानी 3 नवंबर 2020 को जिस तारीख पे ये मैच होगा, तो इसका अगर टोटल देख करके चले तो हमें अंक मिल रहा है 9, जो कि मंगल रिप्रेजेंट करता है। यहीं पे अगर हम सबसे पहले बात करें सनराइजर्स हैदराबाद के टीम की और इसके साथ साथ सबसे पहले उनके कप्तान की, यानी डेविड वार्नर की, तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ बन रहा है वो बन रहा है 27 अक्टूबर 1986 का। अब इसका अगर हम टोटल देख करके चलें डेट ऑफ बर्थ का, तो ये मिल रहा है 8 नंबर, जो कि 8 एक तरह से मंगल का शत्रु होता है, क्योंकि 9 तारीख जो है डेट का टोटल बन रही है, 9 नंबर जो है डेट का टोटल बन रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर परफॉर्मेंस की बात करें डेविड वार्नर की, तो इनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं नजर आएगा इस मैच में, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इनको कड़ी चुनौतियों का इस मैच में सामना करना पड़ सकता है। हालांकि एक टाइम ऐसा होगा जो ये स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस अच्छा दिखाना शुरू करेंगे, इनके फैंस को उम्मीद होगी कि ये अच्छा स्कोर बना सकते हैं, मगर धीरे धीरे करके इनका परफॉर्मेंस जो है वो डल हो सकता है। अब यहीं पे हम बात करें अगर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की, तो टीम के साथ भी यही सिचुएशन होने वाली है। हालांकि स्टार्टिंग इनका बहुत अच्छा होगा, स्टार्टअप बहुत अच्छा लेंगे, एनर्जेटिक लेंगे स्टार्टअप ये, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे सेकेंड टाइम आउट होगा, फर्स्ट टाइम आउट होगा, फर्स्ट टाइम आउट के बाद से ही इनका जो परफॉर्मेंस है वो लो जाने लग जाएगा और सेकेंड टाइम आउट के बाद बिल्कुल डाउन चला जाएगा इनका परफॉर्मेंस। अब यहीं पर अगर हम बात करें प्लेयर्स की, तो सनराइजर्स हैदराबाद में टी नटराजन जो है वो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं, विराट सिंह है, विजय शंकर हैं, जॉनी बेयरस्टो हैं, ये जो प्लेयर्स हैं ये सनराइजर्स हैदराबाद से अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। अब यहीं पे अगेंस्ट खेलने वाली टीम की बात करें मुंबई इंडियंस की, जो कि बहुत अच्छी टीम है, बहुत स्ट्रांग टीम है, प्लेयर्स भी बहुत स्ट्रांग हैं, तो इसके कप्तान वैसे तो रोहित शर्मा हैं और साथ ही साथ जो अभी इनको इंजरी हुई थी तो उसकी वजह से पोलार्ड इस टीम को हैंडओवर कर दिया था। तो अगर हम पोलार्ड की डेट ऑफ बर्थ लेकर चलें तो 12 मई 1987 है, जो कि टोटल हमें मिल रहा है इस इनकी डेट ऑफ बर्थ का 6, जो कि शुक्र रिप्रेजेंट करता है। वहीं पे अगर इनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस इनका काफी हद तक अच्छा देने वाले हैं ये, और इसके साथ ही साथ कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आएंगी तो धीरे धीरे करके उस चीज को ये आगे बढ़ते चले जाएंगे और अच्छा एक स्कोर बना सकेंगे। यहीं पर अगर हम बात करें मुंबई इंडियंस की टीम की, तो इनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहेगा, स्टार्टअप ये बहुत खास नहीं ले पाएंगे, हो सकता है स्टार्टिंग में ही इनकी एक दो विकेट्स भी गिर जाएं, तो स्टार्टअप कुछ खास ना लेते हुए ये आगे बढ़ेंगे और इसके बाद फर्स्ट टाइम आउट के बाद इनका परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा देखने को मिलेगा और साथ ही साथ ये अपना प्रदर्शन बिल्कुल अंत तक अच्छा ही दिखाएंगे। उसके बाद अगर हम प्लेयर्स की बात करें तो कृणाल पांड्या है, राहुल चहर है, हार्दिक पांड्या है, ईशान किशन और ट्रेंट बोल्ट, ये प्लेयर्स जो है मुंबई इंडियंस से काफी हद तक अपना अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। अब बात आती है पहले बल्लेबाजी कौन करेगा, तो देखिए बैटिंग करने के चांसेस पहले मुंबई इंडियंस के लग रहे हैं और इसके साथ साथ अगर विनिंग टीम की बात करें प्रदर्शन दोनों का अच्छा रहेगा, हालांकि सनराइजर्स हैदराबाद का थोड़ा कम अच्छा रहेगा, और अगर हम स्कोर चेस करने की बात करें तो हैदराबाद स्कोर चेस नहीं कर पाएगी, मगर वहीं पे अगर हम विनिंग टीम की बात करें तो मुंबई इंडियंस जो है इस मैच को भी विन कर सकती हैं। और भी ऐसे आईपीएल की जनरल प्रेडिक्शंस के लिए बने रहिए एस्ट्रो तक के साथ, मेरे साथ, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री राधे।